और मुखिया कहते हैं बाटे के बढ़िया रहे डिस्चार्ज कर देगा अभी तुरंत हमने सामने आएगा तो बैंगन साहब को ईटा सोलिंग लिखा है इसमें लेकिन ईटा सोलिंग तो हुआ नहीं है। एक भी कस्टमर नहीं रुकता है यहाँ पर, इतना टका लगा करके बैठे हैं तो क्या मिलेगा उसमें हमको। मुखिया द्वारा किए गए विकास कार्यों का जायजा लेने हम ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम साजंगी पंचायत का भ्रमण कर रहे थे, यहाँ हुई विकास की सारी सच्चाई आप तक पहुँचा रहे थे, यहाँ के जनता की समस्या उनकी बात आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे। अभी वार्ड संख्या 14 में मौजूद हैं हम। मेरे सामने एक नाला है जो बंद पड़ा है, नाला का सारा पानी सड़कों पर बह रहा है और ये समस्या, नाले की पानी की समस्या यहाँ पर के ग्रामीणों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी विकराल रूप ले चुकी है क्योंकि ये समस्या बीमारी को तो दावत दे ही रही है, साथ ही आने जाने में अंधेरे के समय बरसात भी नहीं है। अभी इस ऐसा समय होते हुए बरसात नहीं है फिर भी सड़क डूबा पड़ा है और ऐसे में आने जाने में कहीं बुजुर्गों को या फिर बच्चों को खतरा महसूस होता है, गिर पड़ सकते हैं, नाले में डूब सकते हैं, नाला भरा पड़ा है। 2-3-5 साल से 10 साल से ये लोग बता रहे हैं कि गाद की नाले की सफाई नहीं हुई है। एक विकलांग है मेरे साथ, वृद्ध भी हैं, चाचा अभी आ रहे थे पानी होते हुए, चाचा देख लियो तो लोडॉप नाला आज तक अच्छा गिर रहा, हमारा घर बहुत दूर पड़े था, यहाँ पर हमें दुकान खरीदे नाश्ता पानी रहा, हमने यहाँ पानी से तो कोई गहक नहीं आवे के करिया। अच्छा ये रोड नालार पानी बह जाओ तो ना कोई ग्राहक नहीं जाए, ये रोजी रोटी की समस्या भी उत्पन्न होती है, नाले का पानी जब सड़क पर जमा होता है तो सही बात है, यदि वहाँ पर व्यवसाय हो रहा है, दुकान है, किसी प्रकार का होटल है, नाश्ते की दुकान है तो लोग नाले की पानी होकर वहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं। बताओ मुखिया कुछ विकास कर लखाओ तो? ना कुछ नहीं मुखिया कर रहा था, ना वार्ड मेंबर कर रहा था, मुखिया को हम यहाँ सरपंच साहब है, वार्ड मेंबर प्रकाश मंडल प्रकाश दास और मुखिया ही मंजूर मुखिया, आज तक 5-10 साल में कुछ नहीं किया, समुचा पार्ट में नाली बिछ गया और आज तक हमारे 14वां पार्ट में तो पार्ट तक नहीं दिया है। नो कहना कि आरोप नहीं देख लिया वार्डो में नाला छेल लेकिन 14 नंबर वार्डो में नो कहना एक जो पार्ट कहीं पर सर है ना यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए या आगे कमरा देख लीजिए कहीं पर है नाली या खटा देख लीजिए समुचा यहाँ से वहाँ तक चल समुचा खटा में आदमी गिर गया नाली में गिर गया जो बच्चे का मौत हो गया जिनको देखने वाला नहीं। आपकी तो की सोच लोगी वहाँ मुखिया रखो की आपकी बता ना हमारा ना हम मुखिया रखने नहीं थे। अच्छा और मुखिया कहते हैं बाटे के तो बढ़िया रहे डिस्चार्ज कर देगा अभी तुरंत हमारे सामने आएगा तो बैंगन साहब को। अच्छा हाँ हाँ बैंगन साहब काफी हमारा 10 गाछ बैंगन हमारे सब कानों के काफी आक्रोशित है यहाँ के लोग जो है और होना भी चाहिए, जब जनप्रतिनिधि इस प्रकार से लूट खसोट करेंगे, जनता की समस्या को नहीं देखेंगे, लगातार हो रही इनकी समस्या, नाली की समस्या, सड़क की, पीने की पानी की समस्या, यहाँ पर इन सभी समस्याओं को जब दरकिनार करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि तो इस प्रकार का गुस्सा निकलना किसी भी आम जनों के मुँह से जाया जाए। एक महिला है मेरे साथ, चाची तो कुछ बता रहे लोग की दिक्कत छो कम नहीं कर बगल में आए वो बोला की ईटा सोलिंग मेरे दीवार में लिख दिया है लेकिन एक ईटा भी नहीं बिछा है। अच्छा देखिए यहाँ कितना स्थिति खराब है, ईटा सोलिंग और बोर्ड लगाए दिला छा कत्ता लाख और बोर्ड लगलो देखो ना वहाँ कत्ता लाख और अब हम पढ़लो छे हमरो दिवाली में लिखी दिलकै कि ईटा सोलिंग हो गया है अभी ओकरा में कुछ नहीं होलो छे देखो हम मट्टी रो ढेरी और हमरा आगू में का दो बताओ चाची अखनी तो सुखाड़ दिन छे बरसात छो भी नहीं जो बरसात पड़ता हूँ तो बताइए स्थिति यहाँ को स्थिति और खराब हो स्थिति की यहाँ एक बूढ़ो गिरे छे बच्चा गिरे छे यहाँ जैसे की हमारे खुदे पिछड़ी का हाथ तोड़ ला छे हमारा तो खुदे हाथ टूटी गलो छे बोले ये मेरा काम नहीं है। तो काम जो मुखिया मतलब की बोले छे वो की समिति का काम समिति कहाँ है कोई तो ना आता मुखिया मंजूर मुखिया आया हमसे बोला कि नाली कौन बंद किया तो बोले हम बंद किए हैं तो कहाँ है विजय तो हम बोला कि विजय से क्या काम है तो नाली बंद कर दिए हैं तो हम मुखिया को यही बोला कि इधर पानी कहाँ जाएगा बाप कान तो बोला कि ये सब काम मेरा नहीं है बोले किसका काम है तो प्रकाश दास का वार्ड नंबर तो दुगला है तो गाली बकती है पहले गाली ना बकेंगे झाड़ू से मारेंगे गाली क्या ना बकेंगे मेरे आगे में अभी कहाँ बरसा पड़ रहा जो ये कादो है एक भी कस्टमर नहीं रुकता है यहाँ पर इतना टका लगा करके बैठे हैं तो क्या मिलेगा उसमें हमको। जैसे क्या समस्या जो है ये जो चचा बता रहे हैं और
चाची भी बताई क्या इस समस्या में सच्चाई कितना है, ये बताइए। सब पूरा पूरा सच्चा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इजहार उर्फ लड्डू। अच्छा। जी समस्या तो आप देख ही रहे हैं, ये बेचारी जो बता रही है ये बिल्कुल सच बोली। अच्छा। एक भी कस्टमर यहाँ पर जब ज्यादा पानी हो जाता तो रुकने को तैयार नहीं, आगे बढ़ गए या फिर पीछे रह गए। अब ये बेचारी दुकान खोल के जो बैठी, इनका अगर 2 रुपए का बिक्री नहीं होगा तो इसका घर परिवार किस तरह से चलेगा। सच तो यही है और आप खुद को देख रहे हैं, अभी कम से कम 15 दिन से कोई बारिश नहीं और पानी का स्थिति आपके नजर पर, नाला भी बंद है। और अच्छा चाचा जो ये स्थिति है तो समाज वाला लोग मुखिया को बोलता है तो मुखिया क्या जवाब देता है? जवाब यही देता है कि जवाब यही है कि हमने क्या किया, बहुत काम किया, कौन सा जगह काम नहीं किए हैं। तो सर आप लोग आए हैं, काम उसका देख लीजिए। अभी ये बगल में ये रोड है जो बोलता है कि ईंटा सोलिंग करा दिए, कागज पर सारा काम हो गया उनका, उसके बाद देख लीजिए वहाँ पर। आप क्या सोचे हैं कि मुखिया बदल देना? एकदम बदलना है, हर हाल में बदलना होगा। अच्छा, ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और जहाँ तक लूट खसोट की बात है तो कागजों पर काम होता है, ये बात आपने सुना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मेरे सामने एक सड़क है जिसके बनने की बात हुई थी, उसका निर्माण होना था, ईंटे की सोलिंग होनी थी, और मैं आपको उसका बोर्ड भी दिखाता हूँ, उस पर कितने रुपए की राशि प्रकलित हुई है, ये सभी चीजें आपको इस बोर्ड में नजर आएंगी। देखिए इस बोर्ड को लड़के खरोच रहे हैं क्योंकि इसे छिपा दिया गया था, और ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया जब ईटा सोलिंग होने की बात हुई थी इस सड़क में। तो मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से वो नीचे दिखाएं, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये कच्ची सड़क है, यहाँ पर नाले का गाद जमा है, कचरा जमा है, या कहें तो बीमारी का घर टीला जमा है। इस जगह पर एक सड़क बनने वाला था, गली का सड़क है, जिस तरह से 7 निश्चय योजना, गली गली पक्कीकरण, ये सभी वादे आप देखते हैं, डंका पीटा जाता है, पताका लहराया जाता है सरकार की तरफ से, इन सभी चीजों की सच्चाई आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, यहाँ के लोगों से सुन सकते हैं, यहाँ के लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए और वो बता रहे हैं। यहाँ पर मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर कचरे का अंबार लगा है, नाले की गाद की सफाई करके यहाँ पर रख दी गई है। इस रोड का ईटा सोलिंग होना था, इसके नाम पर फंड उठा, ईटा सोलिंग भी हुआ, बोर्ड भी लगा, पर ईटा सोलिंग सिर्फ कागजों पर हुआ। ये बोर्ड इस प्रकार से खरोच कर निकाला जा रहा है, इसमें प्रकलित राशि पता चलेगी खरोचने के बाद। आप देख सकते हैं कि मतलब घोटाला करने के बाद उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मार दिया जाता है। इस प्रकार से समाज में घोटाला हो रहा है, इस प्रकार से जनता के पैसों का लूट खसोट हो रहा है, और ऊपर आला अधिकारी अपने कक्ष में बैठकर अपना सरकार चलाते हैं, अपने आप को मजिस्ट्रेट, अपने आप को बड़ा पावर वाला समझते हैं, अधिकारी मानते हैं, और जो मुखिया हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं उनको हेलीकॉप्टर से नीचे आने की फुर्सत नहीं है। ये हाल है समाज का, ये हकीकत है, सच्चाई है, और यही हकीकत और सच्चाई कहीं ना कहीं मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में विकास हो रहा है या फिर सिर्फ बड़े अखबारों के पन्नों पर जो एडवर्टाइजमेंट छप रहे हैं, इतने करोड़ रुपए का लागत हुआ, ये योजनाएं आई, ये विकास हुआ, वो सभी सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है। आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से यदि ग्रामीण आक्रोशित होंगे, अपने जनप्रतिनिधि को गाली देंगे जिसे उन्होंने वोट दिया, उनको गाली देना इनको खुद खराब लगता होगा। और यदि कोई आपको बताए कि इस पंचायत में विकास हुआ है तो आप समझ सकते हैं वहां पर येलो जर्नलिज्म हो रहा है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई यही है जो मैं देख रहा हूं, जो यहां की जनता बोल रही है। मैंने ना तो मेरा ना तो किसी प्रत्याशी से दोस्ती है, ना यहां के मुखिया से दुश्मनी, पर यहां की जनता जो बात बोल रही है वो बात मैं आपको पहुंचा रहा हूं, सुना रहा हूं। एक बुजुर्ग आए चाचा, तो हां बताओ कि समाज में कुछ विकास होलो? जहां नहीं विकास नहीं हुआ है, ये इसमें जो लिखा हुआ है इसमें झूठ है, ये ईटा सोलिंग लिखा है इसमें, लेकिन ईटा सोलिंग तो हुआ नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है, न इधर का और न उधर का, कोई विकास नहीं हुआ। इस प्रकार से वृद्धजन झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ की जनता बेशक झूठ नहीं बोलेगी। मेरा किसी मुखिया से या किसी प्रत्याशी से लेना देना, दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, पर जो सच्चाई है वो आप तक पहुँचाने का जिम्मा मैंने उठाया है, और सच जो है वो सिर्फ आपको सिल्क टीवी पर मिलेगा। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ, मैं सत्यम सिल्क टीवी पर।